प्रीति आपको घंटा पसंद है ना, मैं घंटा बजा रहे बात कम करो प्लीज। तो मोहन गैस कहाँ से कैसे चल? तो गैस को रख दिए बगल में बोतली बांध के। अभी तो सुनते हैं गेहूँ बंद कर दिया है। हम सब सब गेहूँ बंद, चावल अब वोट के बाद सब बंद। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। मोन्टाज में ये वीडियो देखी आपने, ये वीडियो देश भर में घूम रही है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो ने आग लगा रखी है। जिस तरीके से एलपीजी गैस पर 50 रुपए बढ़ाए गए हैं, उसके बाद से देश भर में गैस को लेकर एक हंगामा बरपा हुआ है। अब महिलाएं कह रही हैं कि मोदी जी आपको थाली ताली बजाना बहुत पसंद था ना, तो आपने जो गैस के दाम बढ़ाए हैं, हम आपके लिए सिलेंडर बजा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में स्मृति ईरानी के सिलेंडर वाले जो पोस्टर थे वो वायरल हो रहे हैं। देश भर में उनके पोस्टर लगे हुए हैं कि किस तरीके से जब स्मृति ईरानी विपक्ष में थी तो वो सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरती थी, और जब आज लगभग 1100 रुपए सिलेंडर हो चुका है तब वो चुपचाप है, मौन है। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं होती है, ना ही वो इस पर बोलती हैं। तो एक एक करके मैं ट्वीट दिखाऊंगा, वो वीडियोस दिखाऊंगा, और एक रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से लोग पुराने लकड़ियों के चूल्हे की तरफ वापस आने को मजबूर हैं। बहुत ही भयानक खबर है वो, कि लोग जहां एक तरफ उज्ज्वल योजना का प्रचार प्रसार किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आज भी लोग कच्चे चूल्हे और जो लकड़ी से जो खाना बनता था उसकी तरफ लौट रहे हैं। वो रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, देखिए एक एक करके। सबसे पहले ये खबर देखिए, फिरोज खान ने ट्वीट किया है, थाली ताली के बाद अब गैस सिलेंडर बजाकर महंगाई का जश्न मनाती भारत की स्त्रियां। ये वीडियो आप सुन सकते हैं और इनकी बाइट भी सुन लीजिए। प्रीति आपको घंटा पसंद है ना, मैं घंटा बजा रहे गैस का बात कम करो प्लीज। तो सुना आपने किस तरीके से महिलाएं कह रही हैं कि आपने 1100 रुपए सिलेंडर कर दिया है और आपको थाली ताली बहुत पसंद थी तो हम आज सिलेंडर बजा रहे हैं। इसके बाद ये पोस्टर देखिए, रत्नागिरी महाराष्ट्र में बारिश के बीच जो स्मृति ईरानी के जो पोस्टर है, जो हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली के संसद के पास भी उनके पोस्टर लगाए गए थे, अब वो देश भर में लगे हुए हैं और हर जगह यही सवाल पूछा जा रहा है कि जब 400 रुपए सिलेंडर था तो तब आप सड़कों पर उतरती थी, अब 1100 रुपए सिलेंडर हो चुका है लेकिन आपका मुंह नहीं खुल रहा है। तो ये तस्वीरें भी हैं। इसके अलावा ये देखिए, प्रकाश राज जो एक्टर हैं साउथ के, उन्होंने और जो बहुत मुखर होकर बोलते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, डियर सुप्रीम लीडर व्हाट विल यू टेल द कंट्री, घंटी बजाओ, जो ये सिलेंडर बजाने वाली वीडियो है उसी को ट्वीट किया है। इसके अलावा ये देखिए, क्योंकि सिलेंडर भी कभी सस्ता था, जो स्मृति ईरानी के पोस्टर हैं वो देश भर में छपे हुए हैं। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं। ये देखिए, वसई विरार महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, सिंड्रेला कहाँ हो तुम? तो सिलेंडर वाले जो स्मृति ईरानी का जो पोस्टर है वो लगातार घूम रहा है। जिस तरीके से चाहे गैस हो, एलपीजी हो, या सीएनजी हो, पेट्रोल हो, या डीजल हो, लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रसोई गैस महंगा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेल भी महंगा हुआ, दालें भी महंगी हुई, टमाटर सब्जी हर चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारे लिए विकास सिर्फ अस्थाई नहीं है जो दिखे या चमके, हमारे लिए विकास है दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित, आदिवासियों और महिलाओं का विकास होना। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी कौन से विकास की बात कर रहे हैं, वो कौन सा विकास है जो ना दिखे और विकास होता रहे, ये आप खूब समझ सकते हैं। और ये जरा इनकी बाइट सुन लीजिए कि एक गांव की ये वीडियो है जहां पर रितु जायसवाल जाकर उनसे सवाल कर रही है, एक बच्ची है जो बर्तन मांझ रही है और उनसे पूछ रही है कि क्या आप अब से जो लकड़ी वाला चूल्हा है उस पर खाना बनाएंगे। सुन लीजिए, ये चूल्हा पे बनाइए खाना, चूल्हा पे, लकड़ी के चूल्हा पे। कहाँ गई इसकी मम्मी? लकड़ी के चूल्हा पे खाना बनाई है। गैस कहाँ गया? गैस कहाँ गया? कहाँ है मम्मी? इधर इसकी मम्मी से बात करते हैं। तो सुना आपने, रितु जायसवाल ने ट्वीट किया ये वीडियो, 400 रुपए में गैस महंगा लगता था मोदी जी के,
ओले लेल 1100 कर दिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना आज जलावन योजना में तब्दील हो गया है। ये जो गांव की महिलाएं हैं जो जिनको जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उज्ज्वल योजना से आज पूरा भारत गांव-गांव तक गैस पहुंच चुकी है और लोग गैस पर खाना बना रहे हैं। जो उन जो लकड़ियों का धुआं था, जो उनको परेशानियां होती थी, वो सारी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उसकी हकीकत आप देख सकते हैं कि ये वीडियो में जो गांव की महिलाएं हैं वो किस तरीके से अपना दर्द बयान कर रही हैं और कह रही हैं कि अब तो राशन भी मिलना बंद हो चुका है। तो गैस को रख दिए बगल में बोटली बांध के। 400 था तो महंगा लग जाता मोदी जी के। गैस दे दे 1100 रुपया गरीबुरा कहाँ से होते, कहाँ से लौटे खाती, कहाँ से जरना में सुनते हैं गेहूँ बंद कर दिया है। हम सब सब बंद, गेहूँ बंद, खाली चावल दे। अब वोट के बाद सब बंद। इसीलिए ठीक है। और अब बात करते हैं उस खबर की जिसमें ये खुलासा हुआ है कि लोग चूल्हों की तरफ लौट रहे हैं, लोग फिर से लकड़ियां जलाने की तरफ लौट रहे हैं। पूरी दुनिया जहां विज्ञान की तरफ बढ़ रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया में लोग एक से एक तरक्की कर रहे हैं, वहीं भारत जो है आज वापस जहां पर लकड़ियों से गैस खाना बनता था, कच्चे चूल्हों पर खाना बनता था, उसकी तरफ लौट रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट बता रही है, वो देख लीजिए। ये देखिए, नुदरत नवाज ने ट्वीट किया है, महंगाई की मार, त्रस्त जनता की पुकार से रंगा हुआ है अखबार, फिर ये कोयला और लकड़ी की तरफ लौटना होगा। समझ में ये नहीं आता कि जनता अगर इतना त्रस्त और परेशान है तो आखिर वही पार्टी बार बार कैसे चुनाव जीत जाती है। इसका मतलब कि जनता जानते समझते वोट करती है। ये देखिए पेपर की कटिंग जिसमें लिखा है कोयला क्षेत्र के लोगों ने कहा चूल्हे की तरफ लौटना ही होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए दूसरे अखबार की कटिंग में रुला रही महंगाई, छलका लोगों का दर्द, क्या खाएं, क्या बचाएं, कैसे पढ़ाएं बच्चों को, आखिर करें तो क्या करें। लोग इतने परेशान हैं, महंगाई से इतने त्रस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक पार्टी लगातार, चाहे राज्य के चुनाव हो चाहे सांसदी के चुनाव हो, हर जगह जो है एक पार्टी लगातार जीत के आ रही है। इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे कौन सा इनके पास फॉर्मूला है कि ये लोग जीत जाते हैं। लोग सवाल उठाते हैं ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, कि वो मिलकर काम करते हैं। और ये देखिए जिस तरीके से ये खबर आई है निकल के कि लोग जो है चूल्हे की तरफ लौट रहे हैं, कोयले की तरफ लौट रहे हैं, वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है। जहां एक तरफ दुनिया चांद पर घर बसाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में आज भी लोग चूल्हे की तरफ लौट रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।